प्याज और लहसुन के दाम में आए उछाल के साथ अब लुटेरों के निशाने पर लहसुन है। कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र में लुटेरे एक गाड़ी से 64 बोरी यानी करीब 2 लाख रुपए का लहसुन लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुदरा थाना का 3 दिन पहले की मामला है, उसमें गाड़ी का चालक जो है उसके द्वारा यह कहा गया कि लहसुन लाद कर हम ला रहे थे और उसी समय हमें रोककर 4 आदमी एक गाड़ी से और मुंह बांध दिया और बांधने के बाद में मेरा लहसुन लेकर चला गया, फिर गाड़ी को छोड़ दिया। इस संबंध में कुदरा थाना में कांड दर्ज किया गया है और ये अनुसंधान चल रहा है, बहुत जल्द ही इसका उद्भेदन कर लिया जाएगा और लहसुन भी बरामद होगा। दरअसल कैमूर जिले के सोनहन थाना क्षेत्र का रहने वाला अशोक कुमार सिंह अपने पिकअप वैन में बनारस से 64 बोरी लहसुन लेकर सासाराम मंडी में पहुंचने जा रहा था। इस दौरान एक कार पर सवार होकर आए 2 से 3 लुटेरों ने अशोक की गाड़ी को रुकवा कर उसे अपनी गाड़ी में बिठा ले गए और 2-3 घंटे बाद किसी अनजान सड़क पर छोड़ दिया। इस दौरान लुटेरों ने अशोक से मोबाइल फोन और करीब 10,000 रुपए भी छीन लिए। कैमूर से न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।